गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम उक्ति कहानी के शेष भाग को पढ़ेंगे। खुली खिड़की से एकदम वह बाहर जाती है, फिर तेजी से आती है। कौन बाहर जाती है और तेजी से आती है? तो चिड़िया। कभी रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, छोटे बड़े तिनके, रुई के फाते, रद्दी कपड़े की चिंगियां और ना जाने क्या क्या वह ला लाकर उसी जगह जमाने लगती है। अब उसे किसी का डर नहीं था। वह अपना घोंसला बनाने के लिए क्या क्या लाती है? रस्सी का टुकड़ा, पत्ते, तिनके, रुई के फाहे, रद्दी कपड़े, इन सब चीजों को लाती है ताकि उसका घोंसला बन सके। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा था, मैंने कहा था ना, इससे पार पाना कठिन है, बड़ी जिद्दी है। एक बार जो जगह पसंद कर ली, बस घर वही बनाएगी। आप बेकार परेशान हो रहे थे और फिर है भी कितने प्यारे। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। मैं लौट कर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, फिर अपनी चोंच से तिनको पोटली करने लगती है। तो चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया? मैं चिड़िया का घर देख थोड़ा ज्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ। चींची चींची, कैसा है मेरा घर? लेखक से लगता है जैसे चिड़िया पूछ रही हो कि मेरा घर कैसा है। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया की बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया। लेखक चिड़िया पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि चिड़िया ने उनकी पुस्तकों पर बीट कर दिया था। यह क्या, तुमने तो सब जगह बीट करके पुस्तकें खराब कर दी ना। अब चींची चींची, मेरा भी तो घर है। ऐसा लग रहा था जैसे चिड़िया लेखक को कह रही है कि यह मेरा भी तो घर है। यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों होते हो? तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। पलट कर देखा तो पाया कि पत्नी और नन्ही पोती चिंकी दोनों खड़ी खड़ी हंस रही थी। उन्हें लगा होगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ और वह भी संकियों जैसी अर्थहीन बातें। बाबा जी, आप किससे बातें कर रहे थे? पत्नी की हंसी थम चुकी थी, परंतु हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर सैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सब किया गए हो क्या? किससे सवाल जवाब कर रहे थे? चिड़िया से बातें कर रहे थे? चिंकी की को गोद में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी? बेटा, यह बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी किताबों पर ही बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है यह मेरा भी तो घर है, अब मैं क्या करूं? बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए, चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों की शैतानी दूर पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। किसकी किसकी? उनकी पोती और चिड़िया की। सुनिए, पत्नी का हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने महसूस किया कि उनके स्वर में करुणा का घुट था। स्वर भीगा भीगा सा था। क्या बात है? मेरे प्रश्न से पूर्व ही वह पास वाली खुली खिड़की से बाहर देखने लगी थी। मैं थोड़ा चिंतित हो पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देखा? अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी खिड़की से बाहर मुझे क्या दिखाना चाहती थी। थोड़ी झुंझलाहट भी हुई, बोला, क्या बात है? वह जो असवानी के घर की बंद खिड़की देखते हो ना, उस पर नजर गड़ा, देखो तो जरा ध्यान से। पत्नी सामने वाले फ्लैट की बंद खिड़की की ओर बराबर देख रही थी। खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। शीशे के इस ओर फ्रेम पर टिकी हुई एक चिड़िया थी जो शीशे पर बार बार चोंच मार रही थी। चोंच मारते समय चिड़िया का संतुलन बिगड़ जाता था, परंतु वह पंख फैला स्वयं को संतुलित करती और फिर शीशे पर चोंच से प्रहार करती। शायद अंदर जाना चाहती है, मैंने सहज भाव से कहा। तभी मेरी गोदी में चढ़ी चिंकी लगभग चिल्ला उठी, बाबा जी, एक चिड़िया अंदर है। किसने बंद किया चिड़िया को? पत्नी का संकेत अस्पष्ट हो रहा था। मैं समझ गया था और अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। बंद खिड़की के दोनों ओर चिड़िया थी, एक बाहर थी, मुक्त थी, मगर कांच की दीवार को तोड़ना चाहती थी।
उसके प्रहार में आक्रोश था, गुस्सा था, झुंझलाहट और करवाहट थी। खिड़की के भीतर एक और चिड़िया थी जो चारों ओर से बंद थी, बंद दरवाजों और बंद खिड़कियों में कैद थी, घिरी हुई थी, असहाय और कुंठित सी। वह भी अंदर से कांच पर अपनी चोंच मार रही थी। चींची करती हुई बंद कमरे में चक्कर लगाती और फिर खिड़की के कांच पर प्रहार करने लगती। तो बच्चों, इसके आगे की कहानी हम अगली कक्षा में जानेंगे। आप इस पाठ के शब्दार्थ को लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।